हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं आईफोन 6s प्लस की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। आप देख सकते हैं आईफोन 6s प्लस प्लस हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 2021 में आपको 2015 का आईफोन 6s प्लस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये फोन का बॉक्स देख सकते हैं, जिस तरीके से बॉक्स आपको देखने के लिए मिलेगा इसका। तो सबसे पहले हम बॉक्स की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से बॉक्स आपको ओपन करना है। या फोन देख सकते हैं, इस तरीके से आपको फोन देखने के लिए मिलेगा बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स से अभी फोन को तो हम रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करके फोन को रख देते हैं अभी हम साइड। तो इसमें जो एक्सेसरीज मिलेगी उसको हम चेक कर लेते हैं, क्या क्या एक्सेसरीज मिलती है फोन के बॉक्स के अंदर आपको। तो इस तरीके का कुछ आपको एक छोटा सा बॉक्स और मिलेगा इसके अंदर। तो ये आप देख सकते हैं ओपन करके। इसको आप ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर ही आपको इसमें एक सिम टूल किट मिलेगी देखने के लिए, प्लस इसमें कुछ यूजर गाइड वगैरह मिलेंगे। ये सबसे ऊपर आप देख सकते हैं एप्पल के दो स्टिकर मिलते हैं, आप ये देख सकते हैं एप्पल के दो स्टिकर, प्लस इसमें कुछ यूजर गाइड वगैरह मिलते हैं, इंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए आपको मिलता है। ये पढ़ सकते हैं आप इसमें, अगर आप इस चीज़ को पढ़ना चाहें तो इसे भी पढ़ सकते हैं आप इसे। प्लस इसमें 12 वोल्ट का एक अडोप्टर मिलता है चार्जिंग के लिए, प्लस इसमें एक हेडफोन मिलती है, प्लस एक यूएसबी डेटा केबल मिलती है इसके साथ में। तो अभी इन्हें हम साइड कर देते हैं। प्लस अब हम बात करते हैं अपने फ़ोन के बारे में। तो सबसे पहले हम इस फ़ोन को ओपन कर लेते हैं अपने फ़ोन को। तो ये इस तरीके से कुछ ओपन होगा फ़ोन। आप देख सकते हैं एप्पल का जो लोगो होता है वो फ्रंट पे ही आता है, आप इसको चेक कर सकते हैं। प्लस फ़ोन के एप्पल के ओरिजिनल का सबसे एक मेन प्लस पॉइंट होता है कि एप्पल के फ़ोन में थोड़ा सा वेट होता है। अगर कोई लोकल फ़ोन है या कुछ होता है एप्पल का, कॉपी वगैरह होता है, तो आप उसको ऐसे भी जज कर सकते हैं कि उसके अंदर आपको बिल्कुल भी वेट नहीं मिलेगा देखने के लिए। ये आप देख सकते हैं अभी हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है। ये थोड़ा सा हम वेट करेंगे ऑन होने के लिए। तो ये देखिएगा ऑन हो चुका है हमारा फ़ोन अभी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें आपको यहाँ पे साइलेंट का बटन मिलता है ये वाला। यहाँ से अगर आप अपने फ़ोन को साइलेंट करना चाहते हैं तो इस जगह से आप साइलेंट कर सकते हैं। ये देखिएगा अभी साइलेंट हो चुका है हमारा मोबाइल फ़ोन। ये वॉल्यूम अप का है, वॉल्यूम डाउन का बटन दिया हुआ है। प्लस यहाँ पे आपको हेडफोन जैक मिलेगा, ये चार्जिंग जैक मिलेगा यहाँ पे, ये स्पीकर का आपको पॉइंट मिलेगा इस जगह पे। यहाँ पे आपको सिम टूल किट मिलेगी देखने के लिए, प्लस ये आपका पावर ऑन ऑफ का बटन है, इससे आप लॉक भी कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को। प्लस आप बैक लुक देख सकते हैं यहाँ पे, ये 12 मेगापिक्सल का आपको बैक कैमरा मिलेगा इसके अंदर देखने के लिए, सेंसर मिलेगा, प्लस फ्लैश लाइट मिलेगा। यहाँ पे आपको एप्पल का लोगो मिलेगा देखने के लिए। यहाँ पे आपके नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको iPhone S लिखा हुआ, ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें इसमें। प्लस इसकी जो लुक है वो काफ़ी अच्छी लुक है। ये जो बॉडी आपको मिलने वाली है, ये स्टील बॉडी आपको मिलेगी इसकी, काफ़ी ज़्यादा मजबूत बॉडी में बनाया गया है। अगर ये आपके हाथ से ड्रॉप वगैरह हो जाता है तो काफ़ी हद तक ये झटका झेल जाता है, काफ़ी हद तक इसमें कोई क्रैक वगैरह नहीं आती है। अभी हम मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद में एक बार हम अबाउट चेक करेंगे। यहाँ पे जनरल पे आपको क्लिक करना है, जनरल के बाद में आपको अबाउट पे क्लिक करना है। अबाउट में जाने के बाद में आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर वर्जन जो है इसमें 14.2 है अभी जो चल रहा है। लेटेस्ट इसमें आ चुका है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मॉडल नेम आप देख सकते हैं आईफोन 6s प्लस, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ये सारा सब कुछ आप देख सकते हैं इस जगह पे। प्लस नेटवर्क अभी इसमें है नहीं, सॉन्ग वगैरह सारी कैपेसिटी वगैरह आती है इसमें। 64 GB में ये मोबाइल फ़ोन है, अभी जो इसकी कैपेसिटी बाकी है वो 22 GB की बाकी है। ये आप सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं, IMEI नंबर वगैरह सारा सब कुछ इसमें दिया जाता है ऊपर ही, आप देख सकते हैं। प्लस इसमें हम सॉफ्टवेयर अपडेट पर एक बार जाके देख लेते हैं, क्योंकि इसमें जो नया वाला अपडेट है वो भी आ चुका है। ये देखिएगा आप सबसे ऊपर देख सकते हैं, जो भी नया अपडेट है वो भी इसके अंदर है, अभी आ चुका है 14.5.1 नया अपडेट आप इसमें कर सकते हैं। तो जो भी लेटेस्ट चीज़ें होंगी वो इस फोन के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। गेमिंग टेस्ट भी कर लेते हैं। तो इसके अंदर एक गेम है टेम्पल रन 2 के नाम से, तो हम इसको प्ले कर लेते हैं, देखते हैं कैसी स्पीड देता है हमारा फ़ोन अगर हम गेम वगैरह कुछ खेलते हैं इसके अंदर। तो अभी ये चालू हो रहा है, तो देखिएगा अभी ओपन हो चुका है, तो हम इसको प्ले कर लेते हैं। प्ले होने के बाद में आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ चलेगा आपका गेम। बाकी टच तो आपको बताया था मैंने, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है इसका। बाकी डिस्प्ले क्वालिटी भी आप देख सकते हैं एक बार, इसमें टचिंग देख सकते हैं, टचिंग कितनी अच्छे से काम कर रही है इसकी, ये देखिएगा, ये देखिएगा। बाकी गेम खेलने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये। बाकी इस फोन में आप बैटरी देख सकते हैं, बैटरी जो आपको मिलेगी 2850 mAh की बैटरी मिलेगी। एक बार हम बैटरी के सेक्शन में जाके भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बैटरी हेल्थ का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आप देख सकते हैं। बैटरी हेल्थ पे आप क्लिक करेंगे तो मैक्सिमम कैपेसिटी 75%, इस जगह आप अपनी आईफोन की बैटरी हेल्थ को भी चेक कर सकते हैं। इस जगह आपको सारा सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है इस तो फोन हम का। बात करते हैं कि 2021 में आपको आईफोन 6s प्लस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, कोई आपने आपसे पहले आईफोन नहीं चलाया है, तो आप बिल्कुल आईफोन 6s प्लस के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस है
वो लगभग 14,500 रुपये में आपको मिल जाएगा सेल बडी साइट से, या किसी भी साइट से आप ले सकते हैं। हर साइट पे प्राइस जो मिलेगा आपको अलग मिलेगा, किसी पे आपको 16,000 रुपये मिलेगा, किसी पे 18,000 रुपये मिलेगा, लेकिन मैं जो आपको साइट बता रहा हूँ उस पर लगभग आपको 14,500 रुपये का मिल जाएगा। बाकी अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो आप आईफोन 6s प्लस ले सकते हैं, या आपका बजट कम है। अगर आपको आईफोन 6s प्लस की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।